हेलो दोस्तों। तो यार अब मैं ये नई पेंटिंग मैंने कोरोना के ऊपर बनाया है, ठीक, क्योंकि ये खत्म होने का नाम तो ले नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि बना देता हूँ वापस से एक पेंटिंग और, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं पोर्ट्रेट बताता हूँ कैसे बनाते हैं हम, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जैसे अब देखो, हम आँख करते हैं ना पोर्ट्रेट में, तो आँख आराम से बना दो, ठीक है। और अगर लड़की हो तो लड़कियाँ काजल लगाती है बहुत ज़्यादा, पता है, तो उसके ना आसपास ना ब्लैक कलर से आउटलाइन करो पहले आँख के, और फिर ना मतलब बीच में जैसे तुम ब्लैक करो और उसके आसपास मतलब ब्लैक के बाद जो जो हमारी मतलब आई बॉल में थोड़ा वाइट दिखता है ना, शाइन आती है, तो शाइन, ठीक है। और शक्ल करते वक्त ना तुम्हें जहाँ पे लाइट लाइट आ रही होती है ना, जैसे एक तरफ ऐसे सोचो लाइट आ रही है शक्ल पे, ठीक है, और जहाँ पे तुम्हें लगे ना कि लाइट आ रही है शक्ल पे उस तरफ बस हल्का करो, और बाकी शक्ल में जैसे मतलब जहाँ पे डार्क लगे तुमको वहां पे डार्क डार्क करो, ठीक है। जैसे मुझे ना नाक के इस तरफ तुम्हें दिखता है ना कि नाक नाक पे यहाँ पे जैसे नाक की ऊंचाई दिखानी है, तो मैं उस साइड दूसरे साइड डार्क कर दो और फिर बाकी पूरे में लाइट बनाओ, ठीक है, तो इससे हो जाएगा। अब जैसे देखो, मैं मास्क मास्क कर रहा हूँ, तो मास्क को मैं ना जहाँ जहाँ तुम्हारा जैसे देखो, अब मुंह है सब चीजें मास्क के नीचे, तो फिर वहां पे ना उठा उठा पार्ट है, और थोड़ा सा ना यहाँ पे टर्न दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने बीचों बीच देखो तुमने मैंने डार्क ब्लू करा है थोड़ा हल्का, और फिर उसके बाद बाकी अलग अलग कलर से कर रहा हूँ। देखो मास्क पे मैंने हल्का ब्राउन कलर चला दिया, तो तुम यार कुछ भी कर सकते हो इस पे, ठीक है। और अब देखो, अब मैं ब्लैक से कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके, वैसे वो ये मैंने ब्लैक मेन इसलिए करा क्योंकि इसके ऊपर ना प्लास्टिक का मास्क दूंगा जो कि मतलब उसकी की शाइन आएगी, तो थोड़ी थोड़ी मैं वैसे वैसे उस टाइप से भी साथ के साथ करता जाऊंगा। तो अगर तुम ऊपर मतलब प्लास्टिक मास्क बना रहे हो ना, जैसे जैसे मैंने बनाया है, तो उसमें ना तुम्हें साथ के साथ ही ना जैसे उसी की परछाई टाइप जैसे होती है हल्की सी शाइन रिफ्लेक्शन जो भी कह लो, तो वो साथ के साथ ही देना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना कहीं कहीं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ ताकि जहाँ जहाँ डार्क डार्क है वहाँ वहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ, और फिर थोड़ी देर में देखना मास्क का लुक अच्छा आ जाएगा धीरे धीरे करते करते। तो मास्क में ना डिटेलिंग देते रहो, ड्राइंग में ना जब भी करते हो तो डिटेलिंग देते रहो देते रहो देते रहो, थोड़ी देर बाद ना खुद ही लुक आने लग जाएगा। तो मैं भी यही करता हूँ, मेरी कभी भी ड्राइंग गंदी होती है ना तो मैं यही करता हूँ, मतलब फिर पेंटिंग जब पेंटिंग गंदी होती है ना तो मैं ये करता रहता हूँ, डिटेलिंग देता रहता हूँ, अच्छी हो जाती है थोड़ी देर में, तो बस फिर ये रीज़न होता है और क्या बताऊँ। चलो अब मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अरे बैकग्राउंड बैकग्राउंड तो सीधा तुम कुछ मत सोचो, बस ब्रश पे ऐसे ऐसे मारो जैसे दीवार पे देखा ना तुमने पेंट करते हुए बंदे, वैसे पेंट किया करो बैकग्राउंड तो आराम से। अब जब बंदे के पास पहुंच जाओ तो थोड़ी थोड़ी सी लाइन लाइन चला दो ऐसे जैसे मैंने चलाया, और फिर डार्क डार्क कर दो। अब मैंने ब्लैक इसलिए रखा है बैकग्राउंड क्योंकि थोड़ा ईजी हो जाए करना, मतलब मेरे लिए बैकग्राउंड, क्योंकि यार ज्यादा टाइम था नहीं मेरे पास, मतलब पेपर वेपर 12th है ना, तो इस वजह से टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा, तो इस वजह से मैंने ना जल्दी जल्दी करा क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम जरूरी था बनाना, इस वजह से मैंने बनाए। तो बस फिर, और जैसे किसी कोई अगर कंपटीशन अपने कंपटीशन के लिए बना रहा हो इसे, तो फिर मतलब वो पता है ऐसे करना कि जल्दी मतलब जो मैंने ये शक्ल बनाया ये तो तुम देख के बना लेना, ठीक है, और उसके साइड जो मैंने ब्लैक बैकग्राउंड करा ना वहाँ तुम बैकग्राउंड कोई और भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और सोच भी कुछ और सकते हो। जैसे ना मैंने इसमें पता है क्या सोचा है कि ना जैसे ये लड़की है, ठीक है, इसके इसने ना मास्क पहन रखा है, तो बस ये बची हुई है कोरोना से, बाकी जो है ना उधर बाकी बंदे ना जिन्होंने सिंपल मास्क पहना, इसने प्लास्टिक लगाया इसलिए ये बची हुई है, और जैसे इसमें ना बेनिफिट ऑफ प्लास्टिक भी तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है, क्यों मतलब कभी कभी हमें हमें हर बार नुकसान नहीं दिखाना चाहिए ना, क्योंकि बेनिफिट्स भी है ना प्लास्टिक पहनने के, मतलब प्लास्टिक के सॉरी। तो इसने जैसे सिंपल मास्क लगाया तो उससे शायद आर पार हो जाए कोरोना, लेकिन अगर इसने आगे प्लास्टिक लगाया हुआ है तो इससे कोरोना के चांसेस नहीं पार होने के, तो इसलिए ये बेनिफिट ऑफ प्लास्टिक में भी आ जा रहा है, ठीक है। और उधर जो जो बंदों ने मास्क लगाया हुआ है ना वो कोरोना से नहीं बच पा रहे क्योंकि मतलब उन्होंने हाथ वो हाथ लगा के बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो यार समझ जाओ तुम कि कैसे कैसे करा है मैंने। अब गले की शेडिंग वेडिंग तो तुम देख ही रहे हो, एक तरफ मैंने डार्क कर दिया और उसके बाद लाइट मिक्स वाइट से, फिर जहां जहां तुम्हें डार्क डार्क जैसे जैसे दिखता है उस हिसाब से मिक्स करते चलो, और जहां तुम्हें ज्यादा डार्क दिखता है वहां तुम ब्लैक और ब्राउन मिक्स करो, जैसे मैं यहाँ ब्लैक कहीं ब्लैक और ब्राउन मिक्स कर रहा हूँ कहीं सिंपल वो। अब देखो अब बिल्कुल कॉलर के पास थोड़ा डार्क आएगा तो इस वजह से मैंने ऐसे ऐसे डार्क करा है। अब इसे और यार बाल की वीडियो सॉरी बन नहीं पाई क्योंकि थोड़ी सी मतलब वो उस वक्त वीडियो ऑफ हो गई थी जब बना रहा था, तो उसमें थोड़ी गलती हो गई थी, तो तुम देख लेना और कर लेना खुद ही बाल बाल, मतलब खुद ही क्या आगे मैं बाल करूँगा, मतलब अभी थोड़ा लेट हुए, अभी तो बाल का बस नीचे का बेस करा, तो बाल करने से पहले यार बेस कर लिया करो, ऐसे ब्राउन और ब्लैक कुछ मिक्स कर दो, बेस हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा,
और बाल की, फिर उसके बाद ये नीचे रहा है, ब्लू वाल तो बहुत सिंपल है बस, ऐसी मतलब कपड़े में ब्लैक और ब्लू और वाइट की शेडिंग होती है, सिंपल लाइन खींचो और उसके साथ मतलब वाइट मिक्सचर, तो ब्लू के साथ तो वाइट का बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। हाँ अब मैं शीशा बता रहा हूँ, देखो शीशा ना हमेशा सिंपल आराम से ना, शीशा क्या कह रहा है यार वो, हाँ शीशा भी मान ही लो यार, तुम कुछ भी शीशा प्लास्टिक कुछ भी बनाओ, तो देखो आगे ना सिंपल उसमें ना जैसे कोई प्लास्टिक सीधी है तो उसमें ना सीधी सीधी लाइन दो, बीच बीच में कहीं कहीं सीधी सीधी लाइन देते रहो, और पीछे बैकग्राउंड तो पहले क्या करोगे तो सबको पता ही होता है, ठीक है, वाइट से ना सीधी सीधी लाइन दो, और ना ज्यादा पानी यूज करके क्या करो, थोड़ा पानी करके ना इसे ना फैला दिया करो हल्का हल्का। अब जैसे अब तुम्हें ना मेन चीज ये है, जैसे अभी मैंने दो रेक्टेंगल टाइप के बनाए ना, वो बना दिया करो कहीं कहीं, उससे प्लास्टिक का बहुत अच्छा लुक आ जाता है, बहुत ज्यादा प्यारा है, ठीक है। अब देखो अब मैं थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग कर दूंगा इस पे, डिटेलिंग इन द सेंस जैसे तुम जैसे पेंटिंग में जो दिख रहा है ना तुम्हें वैसे उस टाइप से, ठीक है, वो डिटेलिंग करनी होती है। अब देखो मैंने थोड़ा ब्लैक भी कराना है इस पे, ये रीजन मतलब कुछ भी यार तुम्हें जैसे लगे ना, जिसकी वजह से तुम्हारी फिनिशिंग आए वैसे कर दो। अब मैंने देखो वहां पे पास करा था तुम्हें दिखाने के लिए कैसे करा है, अगर वीडियो मैंने थोड़ी तेज कर रखी है क्योंकि तुम्हें मतलब ताकि ज्यादा समझ आए, तो इस वजह से अब मैं ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें ब्लैक बैकग्राउंड पे बनाऊंगा, पर तुम व्हाइट बैकग्राउंड पे बना सकते हो, इट्स योर चॉइस, ओके। तो अब आगे मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। यार ये जो मैं आदमी कर रहा हूँ ना, ये करना बहुत ज्यादा सिंपल है, तो मगर जब देखो वाइट बैकग्राउंड पे बनाओगे ना तो सिंपल इसे ना आराम से ब्लैक कर देना, फिर मतलब जहां जहां तुम्हें डार्क दिखे वहां ब्लैक करना, उसके साथ ब्लू मिक्स करना, उसके साथ हल्का ब्लू मिक्स करना आगे, मतलब आगे जाते जाते, और फिर उसके साथ लास्ट में जहाँ पे तुम्हारी आउटलाइन आती है ना उससे करेक्ट बहुत ज्यादा हल्का ब्लू मिक्स करना, फिर उसका जब आउटलाइन दोगे ना तो वो व्हाइट से देना एकदम, जो एकदम राइट साइड है, जैसे मैंने ना राइट राइट साइड देखो इसके कोने पे व्हाइट या हल्के ब्लू से करा है, जो भी करा है, तो यही चीज करना होता है बस, तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है वो तो तुम्हें पता ही है। और आगे जो मैं दूसरी साइड करूंगा वो अभी से मतलब इसी के मतलब यही चीज बनाऊंगा वापस दूसरी साइड भी, तो सेम इसी तरीके से बनाऊंगा वो भी, ठीक है, तो वो तुम देख लो आराम से ध्यान से, और स्लोमो में करके देखना, स्लोमो में करके देख लेना वीडियो, तो उससे ना तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कैसे कर रहा हूँ मैं, फिर समझ आ जाएगी बात मतलब। और उसके बाद मैं ना ये आदमी, पता है ये आदमी क्यों दिखा रहा हूँ, अभी तुम कंफ्यूज होगे कि क्यों दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन ये आदमी ना सारे ये दोनों ना प्लास्टिक चुन रहे हैं, ठीक है, और प्लास्टिक चुन के ना ये वहां पे मतलब ले जाएंगे अपने, जैसे हम रिसाइकिल का दिखाते हैं ना कि मतलब रिसाइकिल करके कैसे मास्क बन रहा है, तो वो मैं दिखा रहा हूँ, मतलब ये बंदा ना ये जा रहा है और प्लास्टिक चुन रहा है, ठीक है, और प्लास्टिक चुन के ना ये पीछे जाके मास्क बना रहे हैं प्लास्टिक से, ठीक है, तो इससे ना मतलब हमें पता है कि जैसे प्लास्टिक के मास्क कोरोना में ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो इसलिए ना वो मतलब प्लास्टिक के मास्क बना रहे हैं, ताकि मास्क 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 बना रहे हैं उससे, जिससे कि हमारा बहुत फायदा होगा, तो मतलब कोरोना हमें टच भी ना कर पाए, ठीक है, तो बस फिर ये बना दे, और ये देखो ये सेम प्रोसेस से बना रहा हूँ मैं, है ना, तो ये तो यार समझ जाओगे तुम कि कैसे बना रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछला देखा होगा तो तुमने इजी लगा होगा तुम्हें शायद, या मुश्किल लगा तो पता नहीं, ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कोरोना कैसे बनाते, देखो कोरोना बनाने के लिए यार कुछ नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, पहले तो ये देख लो तुम, देख लिया, अब देखो अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले देखो मैंने सेंटर में इसका तो बैकग्राउंड ब्लैक था इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ज़्यादा मेहनत, ठीक है, और वैसे ना तुम पता सेंटर ब्लैक करो कोरोना के लिए अगर तुम पे ज़्यादा टाइम है, ठीक है, जैसे अभी तुम पे तीन दिन का टाइम अगर सॉरी अगर तुम पे ज्यादा टाइम है, ठीक है, तो ना तीन या चार दिन का अगर मान लो तुम पे टाइम है तो आराम से एक 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 चीज बनाओ, एक एक चीज को पेंटिंग सोच के बनाओ, जैसे ना मैं पहले ये प्रोसेस यूज करता था पहले कि ना कोई एक चीज लेता था उसे पेंटिंग सोच के, जैसे ये शक्ल बनाओ तो ये शक्ल बना के ना पेंटिंग, ये सोचो कि तुम शक्ल की पेंटिंग बना रहे हो पूरी ड्रॉइंग में, पहले शक्ल को बिल्कुल ढंग से करो, एक दिन शक्ल कर लिया उसके बाद फिर एक दिन एक चीज, जैसे कोरोना बना रहे तो एक दिन कोरोना पे लगाओ, मतलब सारे कोरोना पे, ठीक है, तो ऐसे करके। हाँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ पहले कोरोना कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो देखो सबसे पहले बीचों बीच ना ब्लैक कर दो, ठीक है, उसके आसपास ना मतलब बीचों बीच ब्लैक कर दो सर्कल में ही, मतलब स्फेरिकल में, फिर उसके बाद ना स्फेरिकल शेप में गोल गोल उसके ब्लैक के गोल गोल रेड कर लो, रेड मतलब रेड मिक्स कर दो उसके साथ,
पूरा रेड नहीं होना चाहिए, रेड में थोड़ा ब्लैक, तो खुद ही मिक्स हो जाएगा ठीक है जब तुम करोगे, पर जल्दी करना फिर ठीक है। तो रेड के साथ ब्लैक मिक्स कर दो, मतलब ब्लैक के साथ रेड मिक्स कर दो, फिर उसके बाद कोने कोने पे एकदम तुम्हारा रेड कलर आना चाहिए, उसके साथ ना थोड़ा थोड़ा व्हाइट मिक्स कर दो हल्का हल्का ठीक है, जो आउटलाइन की तरफ स्क्वायर की शेप में ठीक है। फिर वो करने के बाद ना कांटे जैसे होते हैं ना वैसे वैसे लाइन लाइन दे दो, और फिर उसके बाद ना थोड़ा मतलब उसमें हल्का हल्का बीचों बीच ब्लैक मिक्स करो और उसके कोने कोने पे व्हाइट मिक्स करो, तो तुम्हारा बन जाएगा कोरोना इजीली ठीक है। और फिर लास्ट में टेक्सचर देने के लिए हल्का हल्का डॉट डॉट टाइप में ना रेड भी दे सकते हो तुम उस पर कोरोना पे ठीक है, तो वो और अच्छा लुक जाएगा ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी, आज तो मैंने यार बहुत जल्दी करी ड्राइंग क्योंकि जरूरत थी जल्दी करने की, क्योंकि 12th बोर्ड तो तुम्हें पता ही है वेरी मच डिफिकल्ट तो इस वजह से थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी करी है ठीक है। तो अब देख लो ये कान वान तो यार ऐसे बना दो, मतलब जो तुम्हें बॉडी फिगर तो यार बहुत ज़्यादा आसान है बहुत ज़्यादा, बस यार मैंने काले उस पर कराया तो इस वजह से मेरे से ढंग से हुआ नहीं, मतलब ढंग से क्या नहीं हुआ, जैसे ये ज़्यादा ढंग से दिख नहीं रहा क्योंकि यार मुझे थोड़ा और हल्का करना चाहिए था, पर मैंने ज़्यादा हल्का करा नहीं क्योंकि थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी में बना दी ड्राइंग, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था रात में, तुम्हें पता है दुर्गा पूजा की वजह से वहाँ जाना था, तो इस वजह से ठीक है दोस्तों चिल्ला रहे थे घर पे आके, तो इस वजह से जाना पड़ा, जाना था मेरे को। तो बस अब देखो रेड में क्या करा, मैंने रेड करा उसमें मतलब नीचे पहले तुम ब्लैक कर देना वैसे खुद से, मेरे तो ब्लैक पहले से ही है बैकग्राउंड में, इजी बनाने के लिए करा था वैसे मैंने मेन बैकग्राउंड ब्लैक, लेकिन तुम्हारी मर्जी है तुम कोई भी कर सकते हो ठीक है। और ब्लैक का भी तुम ब्लैक बैकग्राउंड करते हो ना उसके साथ अलग अलग कलर मिक्स किया करो हमेशा, ये याद रखना ठीक है। अगर तुम्हें ब्लैक बैकग्राउंड करना हो ना तो उसमें सारे कलर मिक्स करो, ग्रीन येलो वायलेट जो भी करना हो तुम्हें ठीक है, येलो नहीं बाकी डार्क डार्क कलर जितने होते हैं तुम पे वो सारे ठीक है। अब देखो कोरोना सेम उसी प्रोसेस से बना रहा हूँ मैं, बना दिया मैंने कोरोना, अरे बहुत सिंपल होता है कोरोना, मतलब जितना जितनी ईजिली बीमारी फैलाता है उतना ईजी होता है इसे बनाना ठीक है। अब देखो अब मैं यहाँ पे ना आदमी मुझे कम लग रहा है ना, तो मैं और आदमी बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में यहाँ पे, क्योंकि दो तीन आदमी और बना दूंगा उससे मतलब ड्राइंग में थोड़ा शायद अच्छा लुक आए, तो देखता हूँ मैं कैसा आएगा। अब देखो ये सारी चीज़ें तो यार वही कर रहा हूँ मैं, वही प्रोसेस वही प्रोसेस, थोड़ा बड़ा बना है इसलिए इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग करूंगा, पर इतनी भी नहीं करूंगा क्योंकि यार ये मेनली बना रहा हूँ इसलिए कुछ ज़्यादा इसकी मतलब क्या बोल रहा हूँ छोड़ो ठीक है। तो बस फिर आदमी देखो मैं कितने सारे बना रहा हूँ, बस फिर बना दिया क्योंकि ये सारे ना ऐसे दिखा रहा हूँ कि एपेडमिक है ना तो महामारी से सारे आदमी जूझ रहे हैं, तो इस वजह से बनाया ये ठीक है। अब बाकी अब देखो ये ब्लू ब्लू पीछे जो मैंने ब्लू ब्लू में बंदे बनाया ना, ये इन्होंने पूरा ढंग से बिल्कुल प्रोटेक्शन ले रखी है इसने ढंग से ठीक है। अब पीछे इसके और दो तीन बंदे ऐसे बनाऊंगा और फिर वो बना लेंगे प्लास्टिक, तो ये एक तरह से हमें दिखा रहा है कि हम मतलब जो हमारे मटेरियल है प्लास्टिक के जो यूज हो चुके हैं वो उन्हें हम रिसाइकल करके वापस से मतलब कैसे मास्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा मतलब ये भी दिख जाएगा रिसाइकल का जो भी होता है ठीक है। और तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि प्लास्टिक के मास्क ज़्यादा बेनिफिशियल हैं इन कोरोना टाइम, ओके तो समझ गए तुम ठीक है। तो बना लेना और गूगल वूगल पे सर्च कर लेना यार और कुछ कि कैसे हम ज़्यादा और आइडियाज़ ले आना अच्छी तरह और फिर करना उसे। अब यार बाल तो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, बाल में तो बैकग्राउंड में जैसे कर दिया ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक करो और फिर ना वहाँ पे हल्का हल्का ब्राउन करो और उसके ऊपर वाइट करो, तो उससे वाइट बाल के टेक्सचर में, पर जैसे उसने बाल उसके लग रहे होंगे ना वैसे वैसे उस टेक्सचर में करो ठीक है। और कोने कोने पे ना अगर तुम बाल के पीछे बैकग्राउंड ब्लैक करो ना तो पहले कर दिया करो फिर उसके बाद बाल बना दो, देखो बाल के का पहले बेस बना दो फिर उसके बाद बैकग्राउंड कर दो, उसके बाद बाल के जो तुम्हें जो दिख रहा है ना फैदर क्या कहते हैं उसे जो बाल अलग अलग निकल रहे होते हैं लटाई टाइप जो भी कहते हैं लड़के को बताओ ठीक है, तो वो निकाल दो हल्का हल्का ठीक। अरे यार ये मैसेज कहाँ से ठीक है, तो ऐसे ऐसे निकाल दो बस बन जाएगा तुम्हारा। अब देख लो पूरी पेंटिंग अच्छी ना लगी तो यार कोई बात नहीं, अच्छी लगी हो तो भी कोई बात मतलब कोई बात नहीं फिर तो बहुत बढ़िया ठीक है। कमेंट कर देना कैसी लगी पेंटिंग ठीक है। और बाकी मैंने इस पर लिख दिया था थोड़ी लास्ट में डिटेलिंग कर दिया मैंने ठीक है, तो देख लो ओके बाय।